थे, सैयद साहब मुल्क के शाम से आते थे और उनका क्याम रहता था हकीम अजमल खान साहब के यहाँ। इमाम अहमद रजा की बारगाह रिसालत में मकबूलियत सुने, हकीम अजमल खान साहब के उनका क्याम रहता था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील थे जो हकीम अजमल खान साहब के दोस्त थे और मुल्क के शाम के जो सैयद साहब आते थे हकीम अजमल खान साहब के यहाँ क्याम करते थे तो इतने वो बाकरामत थे वो सैयद साहब के वो हकीम अजमल खान साहब से कहते थे कि इसको दवा मत देना ये मर जाएगा, और वो जिसको कहते थे दवा मत देना मर जाएगा तो मर जाता था, यानी कि वो मौत का वक्त भी बता देते थे। इसीलिए हकीम अजमल खान साहब उनके बड़े मोतकिद थे और हकीम साहब मोतकिद थे तो हाईकोर्ट के जो वकील साहब थे वो भी बड़े मोतकिद हो गए थे। एक दिन हाईकोर्ट के वकील साहब और हकीम अजमल खान साहब और मुल्क के शान के वो सैयद साहब ये तीनों हजरात बैठे थे, ऐसे में इमाम अहमद रजा का जिक्र छिड़ा, तस्किरा छिड़ा, तो हाईकोर्ट के वकील साहब ने कहा यार मौलाना अहमद रजा अपने को हजम नहीं होते, मौलाना अहमद रजा अपने को हजम नहीं होते, वो थोड़े से तोहमात परस्त आदमी लगते हैं, वो बिदती किस्म के आदमी लगते हैं। एक प्रोपेगेंडा था जिसने बिदत का खात्मा किया हो, जिसने बिदत के खिलाफ अपने कलम को मिसले तलवार चलाया हो, उसी को लोग बिदती कहते थे, उनके गलत फहमियों का क्या इलाज कीजिएगा। तो जैसे ही वह हाईकोर्ट के वकील साहब ने कहा कि वो तोहमात परस्त आदमी थे, बिदती किस्म के आदमी थे, तो जो मुल्क के शाम के सैयद साहब थे उन्होंने कहा क्या वजह से तुम उनको बिदती कहते हो, तोहमात परस्त क्यों कहते हो? कहा कि हजरत बाजारों में भी अगर कोई सैयद मिल जाए तो वो उसके पैर चुमने लगते हैं, हाथ चुमने लगते हैं, ये किसी आलिम को जेबा देता है। सैयद साहब ने कहा ये तू क्या जाने, आखिर वो किस निस्बत को चूमते तू क्या जाने। बहरहाल फिर फरमाया वकील साहब और हकीम साहब, वकील साहब की जबान को लगाम दें, वरना अगर दोस्ती कायम रखना है, हमारी आपकी दोस्ती कायम रखना है, तो आप मौलाना अहमद रजा के खिलाफ एक जुमला नहीं कहेंगे, और अगर आपने मौलाना के खिलाफ कुछ कहा आज के बाद आपकी हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। जब आपके तेवर देखे मुल्क के शाम के वो शामी सैयद साहब के तेवर देखे तो वकील साहब ने कहा हजरत हम तो आपके मोतकिद हैं, हम आपके हाथ चूमते हैं, लेकिन आपको तो नहीं कुछ कह रहे हैं, मौलाना अहमद रजा से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मौलाना अहमद रजा से आपकी कोई मुलाकात नहीं है, फिर आप मौलाना अहमद रजा साहब के इतने मोतकिद क्यों है, इतने मोतकिद क्यों है कि उनको बोलते हैं गुस्सा आपको आता है। तो सैयद साहब के जबान से जज्बात में निकल गया वकील साहब मैंने उनको ऐसे तो नहीं देखा मिलकर जाहिर में, लेकिन बारगाह रिसालत में मैंने जो उनको देखा ना, तो तब से मैं उनसे दिल से प्यार करने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह में देखा तो मैं दिल से प्यार करने लगा। और कब बारगाह रिसालत में आपने उनको क्या देख लिया और कैसे देख लिया? अब वो सैयद साहब मुल्क के शाम के सैयद साहब क्या कह रहे हैं जरा दिल से सुनना। मैं वो वाकया नहीं पेश कर रहा हूँ जो विसाल के बाद का है, ये विसाल से पहले की बात है। मुल्क शाम के जो सैयद साहब का तस्करा है वो साल से पहले की बात है। अभी इमाम अहमद रजा हयात है, जाहिरी हयात में मौजूद है, और वो शामी सैयद साहब जो हकीम अजमल खान साहब के आते हैं उनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, जब उन्होंने फरमाया कि मैंने बारगाह रिसालत में उनको देखा जब से मैं मोतकिद हो गया, तो दोनों ने पकड़ लिया कहा आपने क्या देखा, आपने क्या देखा बारगाह रिसालत में। अब वो बोलकर तो गोया के फंस गए क्योंकि वो जज्बात में उनकी जबान से निकल गया, गुस्से में निकल गया। हालांकि ये बातें कोई बताने की तो नहीं होती, ये बातें तो छुपाने की होती है। इमाम अहले सुन्नत के हवाले से वो बात करने लगे लेकिन वो खुद बेनकाब हो गए, वो खुद ओपन हो गए कि वो खुद कितनी बड़ी बुजुर्गी पर फाइज है। याद रखो जौहर की गत जौहरी जानता है, भटियारों को क्या पता कि लोग जौहर को क्या क्या जाने। भटियारे लोग अगर कहते हैं वो बिदती थे, वो तोहमात परस्त थे, मैं लोगों को कहता हूँ आप हम लोगों को देखकर इमाम अहमद रजा को समझने की कोशिश नहीं करें। आज बनाम अहले सुन्नत अगर कोई इमाम अहमद रजा से नाराज है तो मैं उसके पैर पकड़ के कहता हूँ हम लोगों को, आजकल के हम लोगों को देख के, बल्कि अगर माजरत आप कबूल करें तो ये कहता हूँ हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले रजवियों को देखकर आप रजा को समझने की कोशिश न करें। अल्लाह अल्लाह, मैं अपने उलमा से माजरत चाहता हूँ क्योंकि आप हमें देखते हैं बेअमल,
तो आप समझते हैं कि रजवी ऐसा है तो रजा भी ऐसा ही होगा ना। आपसे मेरी गुजारिश है अगर इमाम अहमद रजा को देखना है आप फतावा रजविया में देखें। वाह वाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा को देखना है अलमनाम अल्लाह में देखें। इमाम अहमद रजा को देखना है जुब्दतु ज़किया में देखें। इमाम अहमद रजा को देखना है तदबीर फला नजात इस्लाम में देखें। इमाम अहमद रजा को देखना है इमाम अहमद रजा को देखना उनके फतावे में देखें। इमाम अहमद रजा को देखना उनकी हदायत की बख्शिश में देखें। इमाम अहमद रजा को देखना उनके रसाइल में देखें। तब आपको समझ में आएगा इकबाल जैसा मुफक्किर इमाम अहमद रजा का जब सिर्फ फतावा रजविया का खुतबा पढ़ता है और चंद फतावे पढ़ता है वो इकबाल जिनको शायर मशरिक कहा गया, वो इकबाल जिनको लोगों ने कलंदर लाहौरी कहा, वो इकबाल जिनको मुफक्किर मिल्लत कहा गया, जब उन्होंने फतावा रजविया पढ़ा तो डॉक्टर इकबाल कहने पे मजबूर हो गए मैंने मौलाना का फतावा पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मौलाना इमाम आजम के दौर में मौजूद होते तो इमाम आजम उनको सफी अव्वल के शागिर्दों में जगह अता फरमाते। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा को उनकी किताबों में मैं दावत मुतालिया देता हूँ। अगर कोई इमाम अहमद रजा से नाराज है कि मौलाना अहमद रजा ने खानकाहों की मुखालफत की, मैं कहता हूँ मेरे अजीज आप मुकालुल उरफा पढ़ करके इमाम अहमद रजा को देखें कि वो कितना बड़ा खानकाही था। बल्कि यूं कहूं खानकाहों की रसूमात को जिसने दलील की जबान अता की है उसको इमाम अहमद रजा के। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप ये कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने तसव्वुफ की धज्जियां बिखेरी हैं, तो मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा से बढ़कर उस दौर में तसव्वुफ की कोई बात करने वाला तो बताए। कहते हैं और कितने मजे में कहते हैं, कहते हैं लोग कहते हैं वो ये मना करते थे वो मना। मैंने कहा मना कुछ नहीं करते थे, तूने एक रुख देखा दूसरा रुख दे। लोगों ने इमाम अहमद रजा को सही तौर में पेश नहीं किया। लोग कहते हैं वो सजदे से मना करते थे, मैंने कहा बिल्कुल मना करते थे, जिसके लिए मना उसको मना करते थे। कहा कि किसको मना किया, मैंने कहा वो कहते थे पेशे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह। का ये आलिम की जिम्मेदारी पूरी कर दी लेकिन किसी को सजदे की इजाजत भी दी। वो कहते हैं बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ। ये सूफी की बोली देखें, बेखुदी में शर्त बेखुदी है। वाह वाह शर्त बेखुदी है। कहते बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो किया अच्छा किया फिर तुझको। वाह वाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान। सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या। सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या। अरे दिल का साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। वाह वाह वाह। और या इबादी कह के हमको शाह ने, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। और देव के बंदे से हमको क्या गरज। मुझे याद है मैं ये तकरीर पीलीभीत में कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आप इस्लाही तकरीर करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ लेकिन हम अपनी सुन्नियत को छुपा के बात करने के आदि नहीं है। जहाँ जरूरत नमाज की होगी वहाँ नमाज की बात होगी, जहाँ जरूरत खौफ खुदा की होगी वहाँ खौफ खुदा की बात होगी, जहाँ इश्क मुस्तफा की बात होगी वहाँ इश्क मुस्तफा की बात होगी। लेकिन जब अकीदे पे जर्ब लगेगी तो हम सुन्नियत छुपाने वाले लोग नहीं हैं, हम सब वो लोग हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा नाशा भी कहेगा सवार तो वस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सर चश्मे हिदायत अल जामतुर रजविया मदीनतुल इस्लाम,
सदसाला उर्से रजवी उर्से अमानत आला हजरत सईद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा रज़ा रसूल साहिब क़िबला सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। फजर का वक्त करीब है, शबे जुमा है और सुबह सादिक करीब है। बस इख्तितामी जुमले सुनिए, अल्लाह अकबर। तो मैं दावत देना चाहता हूँ, मेरे इमाम का वो शेर पूरा कर लूं, वरना आप सोचेंगे कि आपने जो है वो शेर पूरा नहीं किया। देव के बंदे से हमको क्या गरज है, है, देव के बंदे से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा, हम हैं अब्दे। लोगों को हमारे अब्दे मुस्तफा होने पर बड़ी तकलीफ है। अब्दुल मुस्तफा लिखे तो तकलीफ, और पूरी जिंदगी देवबंदी लिखते रहते हैं, अल्लाह हू अकबर, पूरी जिंदगी लिखते रहे और हमने अब्दे मुस्तफा कह दिया तो तकलीफ हुई। हमें अब्दे तुझको क्या, क्या बेनियाजी तुझको क्या, हमें अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। सुभान देव के बंदों से कब है ये खिताब, वाह वाह वाह, बंदों से आपसे तो खिताब ही नहीं, आप नाराज क्यों होते हैं। देव के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है ना था फिर तुझको, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तू ना उनका है ना था फिर तुझको क्या। तो जो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने तसव्वुफ की धज्जियां उड़ाई है, मैं कहता हूँ इससे बढ़ करके कोई तसव्वुफ की बात करने वाला तो बताओ। जब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल गए कैसे, अल्लाह अकबर, कोई कहता नूर, कोई कहता बशर, तो गया कौन अल्लाह से मिलने के लिए। नीरा बशर होता तो आसमान पे ना जाता, नीरा नूर होता तो सिदरा के आगे ना जाता, क्योंकि जिब्रील भी तो नूर है। तो मेरे इमाम ने कहा नूर होना भी उनकी एक शान है, बशर होना भी उनकी एक शान है। नूर होना उनकी हकीकत नहीं, बशर होना उनकी हकीकत नहीं, इसलिए कि उनकी हकीकत क्या है वो खुद कहते हैं, या अभी बकरिन लब यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो कोई नहीं जानता, तो अल्लाह से मिलने गया कौन, ये सूफी की जबान सुन। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक ही किताब में कहीं वो फकीर नजर आते हैं, मुफ्ती नजर आते हैं, वाह 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 नजर आते हैं, और कहीं सूफी नजर, इतने सारे रंग लेकर के वो बैठा हुआ है, वक्त का मुजद्दिद, वो मर्दे कलंदर कोई उसको समझे तो सही। यही कहता हूँ हमें देख के ना समझो हम कौन है, हमारी औकात क्या है, उनको उनकी किताबों से समझो। बेशक आप कहते हैं वो बड़े शिद्दती थे, वो बड़े शिद्दती थे, बड़े झगड़ालू थे। मैंने कहा आप हमें देख करके उनको झगड़ालू समझते हैं ना, आप फतावा रजविया उनको देखे ना, फतावा रजविया में उनको देखे वो कितने झगड़ालू थे। तो वो कहते हैं किसी सुन्नी को बेवकूफ भी मत कहो, इतने बड़े झगड़ालू थे कि सुन्नी को बेवकूफ कहने से ही मना करते हैं, और सिर्फ सुन्नी को बेवकूफ कहना मकरूह नहीं कहते, कहते सुन्नी को बेवकूफ कहना हराम है। फतावा रजविया पढ़ना तो तुझे समझ में आएगा कि वो झगड़ालू किसके साथ थे। सुन्नी को बेवकूफ कहना भी हराम है। मानने वालों ने पूछा हुजूर बेवकूफ तो बहुत छोटे से अल्फाज हैं, ये हराम कैसे हो गए। फरमाया तूने नहीं हदीस नहीं पढ़ी, देखो कैसी हदीस पे नजर है। कहते हैं हुजूर ने फरमाया मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी, जिसने किसी मुसलमान को इजा पहुंचाई उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। तो तू सुन्नी को बेवकूफ कहेगा उसका दिल दुखेगा, तो उसका दिल नहीं मदीने वाले मुस्तफा का दिल दुखेगा। वो सुन्नियों के लिए इतने की तफसील थे वो, बेशक सुभान अल्लाह, सुन्नियों को बेवकूफ भी कहने से मना किया। अल्लाह अकबर, आज भी बरेली शरीफ में ये माहौल है। क्या माहौल है पता है, कि शबे बरात के अंदर इमाम अहले सुन्नत सुन्नियों को मिलाते थे, दूसरे को कहते थे इससे पहले कि शबे बरात आए एक दूसरे से मिल जाओ, इसलिए कि अगर तुम नहीं मिलोगे कीना रखोगे सुन्नी सुन्नी आपस में तो अल्लाह तुम्हारी मगफिरत नहीं करेगा, क्योंकि शबे बरात में सब माफ कर दिए जाते हैं, आपस में कीना रखने वाले माफ नहीं किए जाते। अब आपसे पूछना चाहता हूँ जो सुन्नियों के लिए इतना नरम दिल हो, फुरूई मसाइल में जिनसे इख्तिलाफ है अल्लाह अकबर दो दो सतर के अलकाबात लिखते हैं उनके लिए, इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया, वही कहता हूँ अहमद रजा को देखना है तो फतावा रज़विया में, हमें मत देखो। हम लोग तो नफ्स के बंदे बन गए ना, बेशक बेशक, हमें देखकर तुम इमाम अहमद रज़ा को नहीं फतावा रज़विया में देखो। फिर वो झगड़ालू किसके साथ थे, मैंने कहा जिससे झगड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बेशक बेशक,
अगर उससे भी कोई झगड़ा नहीं करे तो फिर वो नामर्द ही होगा। तो किसके साथ झगड़ा करते थे? का जो नबी से दुश्मनी करे, जो नबी से गुस्ताखी करे, फिर वो रियायत नहीं। सुन्नी आशिक रसूल को बेवकूफ कहना भी हराम कहे, सुन्नी आशिक रसूल को बेवकूफ कहना भी हराम कहे, और जो गुस्ताखी करे फिर उसके लिए कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूखार पर तबार आधा से कह दो खैर मनाए नशर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद पे शिद्दत वाह 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 वाह। किस पे शिद्दत कीजिए? अपने दुश्मन पे नहीं। क्या बात है? सुन्नी अपना दुश्मन है, माफ कीजिए। क्या बात है? वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमा बैनहुम की तफसीर कीजिए। लेकिन अगर कोई नबी का दुश्मन है तो कहते दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ठहरे जिसमें ताजी में हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। अल्लाह अकबर। तो मैं आपसे यही पैगाम, मेरी आवाज अल्लाह दूर तक पहुंचाए, मैं दुआ करता हूँ जो सुन्नी नाराज है इमाम अहमद रजा से कि वो तो खानकाओं के मुखालिफ थे, मैंने कहा कभी नहीं थे। कुछ लोगों ने